स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आईटी, जेईई, बीटसेट, नीट और एम्स में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक वेट और मास नंबर क्या होता है। हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो एक होल नंबर होता है, और एटॉमिक मास हमेशा किसके सम के इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन मुझे पता है किसी भी एटम के अंदर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। तो मास नंबर क्या हो सकता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मुझे इतना तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में कि इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर सेल में घूमते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है ना। और सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं? 8, 7 और 11। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे आपके पास? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दीजिए सभी में, आपके पास 8, 7 और 12 के आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। और एटॉमिक वेट क्या होता है? हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए, आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही क्या होता है? किसी भी एटम का मास होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदरली बेसिकली वी कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन क्या होता है? एक्चुअली न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन, ठीक है ना। और एटॉमिक मास जब भी कैलकुलेट करते हैं किसी भी एटम का, तो उस टाइम पे हम लोग जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है ना। इसलिए द होल मास ऑफ द एटम इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली एंड नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, यानी एटम तो हमेशा डाल्टन ने पहले ही बताया था कि न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं तो क्या होना चाहिए? यानी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होने चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कार्बन और फ्लोरीन का। तो सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, 8, 7, 11, 6 एंड 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाउ वी कैन कैलकुलेट? बाय एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर गिव अस द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके, और एटॉमिक वेट यहाँ पे इजीली निकाल सकता हूँ। भाई कैसे? बाय एडिंग द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एटॉमिक वेट। सिमिलरली आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो हमें आइडिया देते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। जैसे एग्जांपल है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ऑक्सीजन में होते हैं 8 प्रोटॉन, फ्लोरीन में 9 और नियोन में 10। तो इनका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा? 8, 9 और 10। भाई ऑक्सीजन का 80 तो होता है, 9 और 10। यहाँ पे मैंने एटॉमिक वेट लिख दिया है, ये बेटा एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, दिस इज एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है बेटा कर्नल इलेक्ट्रॉन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कर्नल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर इनर जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास बचेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एक्सेप्ट द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कर्नल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन 8, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, तो 2 और 6 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 को छोड़ दीजिए, अंदर कितने बचे आपके पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? कर्नल इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2, 8, 8। तो बाहर वाले 8 को छोड़ के अंदर कितना बचा, कितने का सेट बचा? 2 प्लस 8, 10। तो कर्नल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो अगर आपसे किसी भी एलिमेंट में कर्नल इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए, और अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कर्नल इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है आयंस। आयंस क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस।
कैटायन वो एटम होते हैं, वो स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनती है। और जब भी किसी केमिकल स्पीसीज में किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पे एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे किसी भी कैटायन के ऊपर तो वो कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस जितना चार्ज कैटायन पे आया है उतना माइनस कर दीजिए। उसी तरह से एनायन क्या होता है, एनायन होता है जब कोई एटम एलिमेंट या कोई भी केमिकल स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, इलेक्ट्रॉन को लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन एनायन बनते हुए किसी भी स्पीसीज पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे एनायन के केस में, तब हम क्या करते हैं, जितना भी चार्ज नेगेटिव चार्ज आया है उतने नेगेटिव क्या कर देते हैं, वहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनायन कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनायन। जैसे एग्जांपल है सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, बेटे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल। सोडियम में कितने प्रोटॉन है, 11, मैग्नीशियम में 12, एल्युमिनियम में कितने हैं, 13। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, देखो सभी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। तो इसके एटॉमिक नंबर में से यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन में से 1 माइनस कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं, 12, 12 में से 2 पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, ठीक है ना। तो 2 माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने होंगे आपके पास, 13 में से 3 गया, 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, जितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल है, तो लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है सभी पे। उसी तरह से अगर एनायनिक स्पीसीज लोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सभी का एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना हम क्या कर देंगे, प्लस, 17+1 18, 8+2 10, 9+1 10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास आइसोटोप्स। आइसोटोप बेटा क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है ना। सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो या एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं और तीनों आइसोटोप में आप क्या देख रहे हो कि ये तीनों आइसोटोप जो हैं सेम एलिमेंट, यानी क्या बोला, सेम एलिमेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ये एटम है सेम एलिमेंट के। कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन, 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप के अंदर सेम एलिमेंट होने चाहिए सभी के अंदर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम होना चाहिए और एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, डिफरेंट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो अब यहाँ पे इजीली हम बता सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से, और एटॉमिक वेट इनका निकाल सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हो इसके एग्जांपल के अंदर कि सेम एलिमेंट है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे आइसोटोप के अंदर। उसी तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H11D12T13। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इजीली आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास में से क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, एटॉमिक वेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेई के अंदर पूछा गया है कि तीनों आइसोटोप में से रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिटियम, T13। बुक में T13 भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, कुछ बुक में H13, दोनों सही हैं, ठीक है ना। तो जेई में पूछा गया क्वेश्चन है ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव है। उसी तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसमें 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कौन सा होता है, प्रोटियम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं 1735 और 1737। अब देखो सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक वेट डिफरेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जाते हैं, 2 एलिमेंट डाल देगा, बोलेगा ये आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, क्या है। तो आपको देखना है अगर वो सेम एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक वेट डिफरेंट है, तो वो क्या है, उनमें रिलेशन कैसा होगा आइसोटोप का। तो यहाँ पे प्रोटॉन निकाल सकते हैं बेटा इजीली, न्यूट्रॉन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और एटॉमिक वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने 3 एग्जांपल पढ़े, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, और आइसोटोप में खास बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि सेम एलिमेंट होने चाहिए प्रेजेंट, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक वेट डिफरेंट होना चाहिए। यहीं तक करते हैं बेटा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ठीक है ना। अब हम कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोबार, देन आइसोटोन, देन आइसोस्टर, आइसोडाइफर,
ठीक है ना, क्या होता है कल डिस्कस करेंगे वो टाइप। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।